हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कंडेंसर और एवेपोरेटर में क्या डिफरेंस होता है वो देखेंगे। कॉपर ट्यूब कंडेंसर और एल्युमिनियम ट्यूब कंडेंसर में क्या डिफरेंस है और कौन सा एयर कंडीशनर हमको परचेज करना चाहिए घर के लिए वो भी डिस्कस करेंगे। कंडेंसर और एवेपोरेटर दोनों ही रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज किए जाते हैं। कंडेंसर हाई प्रेशर साइड लगा होता है और एवेपोरेटर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में लो प्रेशर साइड लगा होता है। कंडेंसर का काम होता है रेफ्रिजरेशन सिस्टम में से हीट को रिमूव करना। कंडेंसर रेफ्रिजरेंट वेपर्स में से हीट को रिमूव करके उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। एवेपोरेटर का काम होता है रेफ्रिजरेंट सिस्टम में कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना। एवेपोरेटर में लो प्रेशर और लो टेम्परेचर का रेफ्रिजरेंट लिक्विड जब एंटर करता है तो वो एवेपोरेटर की स्पेस की हीट को अब्सॉर्ब करता है और लो प्रेशर पे बॉइल होके वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पे एवेपोरेशन होने से कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। रेफ्रिजरेशन का प्रिंसिपल है कूलिंग इज कास्ड बाय एवेपोरेशन। कंडेंसर एयर कूल्ड भी होते हैं और वाटर कूल्ड भी होते हैं। एयर कूल्ड में फैन का यूज किया जाता है हीट को बाहर निकालने के लिए और वाटर कूल्ड में वाटर का सर्कुलेशन दिया जाता है ताकि हीट को रिमूव किया जा सके। ये फिन एंड ट्यूब टाइप एयर कूल्ड कंडेंसर है। इसका यूज डोमेस्टिक एयर कंडीशनर, वाटर कूलर और डीप फ्रीजर में किया जाता है। ये फिन ट्यूब वेपरेटर है। इसका यूज डोमेस्टिक एयर कंडीशनर, डीप फ्रीजर और वाटर कूलर में किया जाता है। अभी बात करते हैं हम कॉपर ट्यूब्स और एल्युमिनियम ट्यूब्स कंडेंसर में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। कॉपर ट्यूब्स की हीट ट्रांसफर की क्षमता एल्युमिनियम ट्यूब से ज्यादा है और कॉपर ट्यूब्स को रिपेयर करना इजी है एल्युमिनियम ट्यूब्स के अगेंस्ट। एल्युमिनियम ट्यूब्स में रिप्लेसमेंट के ज्यादा चांसेस होते हैं। एल्युमिनियम ट्यूब्स में ट्यूब कंडेंसर के रिप्लेसमेंट के चांसेस ज्यादा रहते हैं। कॉपर ट्यूब्स एल्युमिनियम ट्यूब से ज्यादा कॉस्टली होते हैं पर इसकी लाइफ एल्युमिनियम ट्यूब्स कंडेंसर से ज्यादा है। तो मैं तो आपको यही प्रेफर करूंगा कि आपको घर के लिए कॉपर ट्यूब कंडेंसर वाला एयर कंडीशनर लेना चाहिए। तो ये थी कंडेंसर और एवेपोरेटर के डिफरेंस की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें नई वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।